The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आपको भी डायबिटीज है, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, अगर डायबिटीज के वजह से आपको सालों से दवा खानी पड़ रही है, तो इस वीडियो और इस बेसिक को समझ के भाई साहब आप अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अगर इतना सा चेंज आप कर लें तो आपकी एक्चुअली में डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, आपकी शुगर की दवाएं ख़त्म हो सकती हैं, आपको इंसुलिन की ज़रूरत बंद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड है। कितने अच्छे से आप समझोगे उस पे डिपेंड है, कितने अच्छे से आप बीमारी को समझोगे, कितने अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे उस पे डिपेंड है कि क्या होगा। सो क्या है ये, सबसे पहले सिंपल सा बेसिक समझिए, डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है आपके शरीर में बहुत सारी शुगर इकट्ठा होना। डायबिटीज़ टाइप टू, बेसिकली हम टू पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, टाइप वन को रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस तकनीक से टाइप वन भी कंट्रोल हो जाएगी, रिवर्स तो नहीं कंट्रोल हो जाएगी, हम टू की बात कर रहे हैं। टाइप टू जो है वो है कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट ओवरलोडिंग, कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी। ये क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं यानी शुगर खाते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं उसमें तीन ही चीज़ होती है, या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, या तो उसमें प्रोटीन होता है, या तो उसमें फैट होता है। ये तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो का मतलब मोटा मोटा यही है, बाकी चिंदी चुंदी थोड़ा बहुत उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेसेस अपने जो बाकी के होते हैं वो वाले, वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मेजरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। शुगर आपके शरीर में प्रोटीन अंदर जाके घुल के बनाएगा अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी प्रकार के हो, किसी भी चीज़ में हो, कार्बोहाइड्रेट अंदर जाके घुल के बनाएगा ग्लूकोस, ग्लूकोस फ्रुक्टोस यानी ऐसे शुगर, इसको शुगर बोलते हैं बेसिकली, सिंपल भाषा में शुगर बनाएगा ग्लूकोस फ्रुक्टोस, ग्लैक्टोस लैक्टोस, सब कुछ शुगर, दूध वाला हो या कोई भी हो, फ्रूट वाला हो या कोई भी हो, शुगर शुगर है, ठीक है। थर्ड चीज़ है फैट। यहाँ पर हो क्या रहा है, जब आप बहुत ही ज़्यादा फैट खाते हो, बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो, यानी इंडियन डाइट को अगर आप एक बार अपनी खुद की पूरे दिन की डाइट को टटोलें, राइट, तो कुछ बातें आपको समझनी होगी। नंबर वन, क्या खाते हैं हम, रोटी, चावल, दाल, सब्जी और फ्रूट्स, सब्जी कच्ची पक्की ये कुछ भी हो, सलाद खा लिया, ये खाते हैं, ये बेसिक चीज़ें खाते हैं हम, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दालें आ गई, लेंटिल्स में रोटी आ गई, सारा रोटी और चावल आ गया, सारा अनाज में, अनाज हो गया, लेंटिल्स हो गए, है ना, और फ्रूट्स, फ्रूट्स और ये, इसके अलावा क्या बचा, नॉन वेजिटेरियंस, नॉन वेज आपका बच गया, दूध, अंडा, फिश, ये पूरा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस, राइट। इसमें से दूध ज़्यादातर लोग खा लेते हैं, दूध ज़्यादातर आप पीते हैं, पीते हैं ना। अब एक मोटा मोटा चीज़ समझिए, आपको डायबिटीज़ का क्योर समझ में आ जाएगा। मोटी मोटी चीज़ आपको क्या समझनी है कि इन सब में अप्रॉक्सीमेटली कितनी कितनी शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज बाय वेट है। मतलब अगर हर इन चीज़ का 100-100 ग्राम आप लेंगे, 100 ग्राम्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो उसमें कितना कितना शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, समझिए, फिर आपको समझ में आएगा मैं पूरे दिन में जो खाता हूँ, जो खाती हूँ, उसमें कितनी शुगर है, ठीक। सबसे पहले अनाज, अनाज यानी रोटी, चावल, गेहूँ, मैदा, बाजरा, जवारी, वारी, कॉर्न, स्टार, इन सब से बनी हुई कोई भी चीज़, इन सब में अगर आप इन सब को लेंगे तो इन सब में मोटा मोटा जो कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेटली वो है 70-90% तक, 70-90% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आटे में, पिसे हुए आटे में 70% है, कुछ प्रकार की चीज़ों में 80-90% है, जैसे कि कॉर्न्स होते हैं, जी हाँ, मकई के आटे में 80-90% तक है, जी हाँ, मकई का आटा मोटा होता है,
वो एब्जॉर्ब स्लो होता है लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज ज्यादा, यहां परसेंटेज की बात कर रहे हैं पहले। सो अगर अन्न धान्य अनाज में कार्बोहाइड्रेट 80-90% है और दूसरी चीज क्या खाते हैं हम, दाल, दाल में कितना कार्बोहाइड्रेट है 50%, 40-50% के आसपास, किसी किसी में 60 है, कुछ बड़ी बड़ी दालें जो होती हैं उनमें 70-80 है, बड़ी बड़ी दालें जो होती हैं चने, काबुली चने, राजमा और ये बड़े बड़े जो होते हैं उनमें होता है किसी में 80%, किसी में 70% कार्बोहाइड्रेट, जी हाँ होता है। लेकिन दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है परसेंटेज वाइज, क्योंकि 60-70 बाकी प्रोटीन ज़्यादा होता है, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन आप प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में सोचेंगे, कार्बोहाइड्रेट कितना 50 के एवरेज 50%, तो एक पकड़ लेते हैं दालों में 50%, अनाज वाली चीज़ों में 70-80% पकड़ लेते हैं, ठीक है 80% 50%। फिर बचा क्या, फ्रूट्स, फ्रूट्स तो मीठे होते हैं, फ्रूट्स मीठे होते हैं, उनमें कितना होता है एवरेज, एवरेज फ्रूट्स में परसेंटेज शुगर बाय वेट होती है 5-10%। मीठे से मीठा फ्रूट हो उसमें कितनी होगी 20%, केले में आम में 20% शुगर होती है, 20% कार्बोहाइड्रेट शुगर। इसीलिए कहते हैं कि रोटी कम खाओ फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स खाना मना ही नहीं है। अब आगे तीसरी चीज समझिए, सब्जियों में कितना है, वेजिटेबल्स में कितना है कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल्स में 3%, 2%, 1%, 0%, 0.1, 0.5%, इस तरह से परसेंटेज है कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स में। तो जब हम अपनी वेजिटेरियन डाइट को टटोलें, पूरे दिन में हमने क्या खाया उसको तराजू में रख के देखें तो रोटी ही रोटी है, अनाज ही अनाज है, या बिस्किट ही बिस्किट है, या रस ही रस है, या मैदा ही मैदा है, राइट। उसके अलावा क्या है, दाल ही दाल है, दाल चावल है, उसमें सब में मैक्सिमम से मैक्सिमम अराउंड हमारा ऑन एन एवरेज जा रहा है शरीर के अंदर 70-80% कार्बोहाइड्रेट्स, 70-80% कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जा रहा है, बाकी जो बचा 20-30-40% उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन, थोड़ा बहुत फैट। तो इतना जब कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर परसेंटेज वाइज जा रहा है तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। अगर आप एक एवरेज मात्रा में 2000 कैलोरीज भी खाते हो पूरे दिन में, तो अगर आपकी 1000 से 1500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही है तो वो ज़्यादा कैलोरीज आपका शरीर कुछ टाइम तक ही हैंडल कर सकता है। अगर आप ज़्यादा हैवी आर कैलरीज खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा 3000, 3500, कई लोग 5000 कैलरीज खाते हैं, जी हाँ खाते हैं, इतना खाते हैं कि पूछो मत, उसमें भी 80-70% सिर्फ कार्ब्स होते हैं। अभी तो हमने कुछ मीठी शक्कर की बात ही नहीं की, अभी तो हमने चीनी की बात ही नहीं की, अभी तो हमने कोल्ड ड्रिंक की बात ही नहीं की, वो तो सारे नीरे शक्कर है, वो तो प्योर प्योर शुगर है, वो तो है ही ख़राब। लेकिन जो खा रहे हो उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा, जी हाँ। तो क्या तरीका है, जो आप अपने डाइट के 70-80% कार्ब खा रहे हो, कोई 90% कार्ब खाता है, उसको कम करना होगा। जैसे ही आप इसको कम करोगे, डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ इज कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, जितना आपका शुगर जा रहा है उतना इंसुलिन आपके शरीर के सेल्स के अंदर नहीं लेके जा पा रहा है, आपके अंदर इंसुलिन है लेकिन वो रेजिस्टेंट है, वो स्लो हो गया है। तो क्या तरीका है उसको मैनेज करने का, अगर मान लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट 1000-1500 कैलोरीज उसकी कार्बोहाइड्रेट से आती है, 1000 से 1500 कैलोरीज, 2000 कोई तो, लेकिन उसका जो शरीर में इंसुलिन की जो स्पीड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन बहुत पड़ा है लेकिन उसकी स्पीड कम है, रेजिस्टेंस है, राइट। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्पीड है वो इतनी स्लो है कि वो पूरे दिन में सिर्फ 500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट की पचा पाता है, बाकी की 500 कभी कभी 800 पचा पाता है, और उसमें भी एनर्जी पूरे दिन कम रहती है तो वो एक्सरसाइज कुछ नहीं कर पाता पेशेंट, तो बाकी की बची हुई 500-1000 कैलोरीज का क्या होता है, वो शुगर खून में घूमती रहती है, पेशाब में निकलती हैं, ऑर्गन्स में जाके डैमेज करती है डायबिटिक पेशेंट्स को, वेस्कुलोपैथी, नेफ्रोपैथी, कार्डियोपैथी और हर तरीके का जो हमने पहले डिस्कस किए अपने वीडियोज़ में, उस सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बाकी बची जो 800-900 कैलोरीज अंदर गई भी, 800-900 कैलोरीज अंदर गई भी, तो इंसान ना के बराबर काम करता कर पाता है, डायबिटिक पेशेंट्स एकदम लिथार्जिक सा होता है, तो एक्सरसाइज ही नहीं है, तो जितनी कैलोरीज गई वो स्पाइक हुई इंसुलिन, जितनी कैलोरीज गई वो उसमें से ज़्यादातर यानी आधा फैट बन जाता है। आपने इंसुलिन एक्स्ट्रा ले ली, इंसुलिन एक्स्ट्रा ले ली और ज़्यादा अंदर गई, आधे से और ज़्यादा फैट बन जाता है, उल्टा आप मोटे होते जा रहे हो। तो ये विशेष साइकिल है, मोटे होंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, और ज़्यादा ज़्यादा इंसुलिन लगेगा और बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी।
सो डायबिटीज़ को रिवर्स करने का एक ही टेक्निक है, अपनी पूरे दिन की कैलोरीज में कार्बोहाइड्रेट को कम करें। अगर आप 1,500 कैलोरीज की जगह सिर्फ वही 500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते, अगर सिर्फ 500 कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते, तो सोचो आपके अंदर बची हुई इंसुलिन जो जितना स्लो काम कर रही है उतने में ही आपका काम हो जाता, तो आपको एक्स्ट्रा दवा की, एक्स्ट्रा इंसुलिन की, एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपकी दवा बंद हो जाती है। इस तरह से आप डायबिटीज़ मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा कॉन्सेप्ट, लो कार्ब डाइट। जब आप कार्बोहाइड्रेट कट करेंगे, यानी अनाज, यानी रोटी, यानी दालें कम करना है। रोटी कम करिए, दालें कम, क्या ज़्यादा खाओ, दबा के सब्जियां खाओ, जितनी खानी है सब्जी खाओ। भाई कार्बोहाइड्रेट जब आपका कम हो जाएगा, लेस देन 40% ऑफ योर होल डाइट, लेस देन 40% लो कार्ब डाइट, 40% से नीचे कार्ब जाएगा तो कुछ तो बढ़ेगा, प्रोटीन और फैट्स। तो जब प्रोटीन और फैट्स बढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब्जी को थोड़ा बहुत तड़का मार के खा लिया जाए, उबली खाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी पका के खाओ, अच्छे टेस्ट में खाओ, या सलाद खाओ, सलाद भी अच्छा है, फ्रूट खाओ, फ्रूट भी अच्छा है, पर ये नहीं कि सिर्फ फ्रूट खाने लग गए पूरे दिन में, तब फिर ओवरऑल क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं खाते पूरे दिन में, चार फ्रूट खाते हैं, पानी पीते हैं, एक रोटी खाते हैं, फिर भी टोटल क्या हुआ, टोटल जितनी कैलोरीज आ रही है उसमें भी प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है, प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है। तो कम खाना इलाज नहीं है, यहाँ पॉइंट है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कैलोरीज परसेंटेज वाइज अपने डाइट में कम करना होगा, परसेंटेज वाइज। तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोटीन खाना होगा, और तब जाके आपका जो शुगर है, जो डायबिटीज़ है, जो वेट है, जो ओबेसिटी मोटापा है, वो कम होना शुरू होगा। ये मोटापे का इलाज है, ये डायबिटीज़ टाइप 2 का इलाज है, ये डायबिटीज़ टाइप 1 का इलाज है। जी हाँ, टाइप 1 का भी है। क्यों, कैसे? टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन कम बनता है या नहीं बनता? नहीं बनता है तो कुछ नहीं कर सकते, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम लेकिन कर सकते हैं। 1,500 कैलोरीज शुगर खाने के बाद उसको डाइजेस्ट, उसको अंदर जाने के लिए जितना इंसुलिन चाहिए, 500 कैलोरीज खाने के लिए उससे कम इंसुलिन चाहिए, तो ऑब्वियसली आप अपनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम कर देंगे। और अगर आपके अंदर टाइप 1 में भी इंसुलिन नहीं कम बनता है, यानी कम बनता है, तो हो सकता है आपको इंसुलिन की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ जान लेने भर से कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर कम खाने से आप कहो, मगर मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह सकता, दवाई खा लूँगा, मरूँ तो मरूँ, लेकिन मुझे मीठा खाना है, तो उसका भी इलाज है भाई साहब, शुगर खाओ। कौन सी शुगर? शुगर फ्री वाली शुगर। जी हाँ, नहीं है वो टॉक्सिक, नहीं है कोई साइड इफेक्ट। जी हाँ, शुगर फ्री का जिससे साइड इफेक्ट था वो है सैचरीन, वो अब नहीं आता है मार्केट में, सालों हो गए बंद हुए। अब जो आता है स्टीविया, परफेक्टली सेफ, कितना भी खाओ कैसे भी खाओ। फिर आता है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम पे जितनी स्टडी हुई भाई साहब, उससे ज़्यादा स्टडी किसी पे नहीं हुई है, स्टडीज उठा के देख लिए, इट्स सेफ। और सेफ लिमिट कितनी है, जितनी सेफ लिमिट होती है उस सेफ लिमिट का 100 times लेस आपको रिकमेंड किया जाता है, 100 times लेस। आपको कितना खाना चाहिए, 8-10, ज़्यादा से ज़्यादा 6-8-10 टैबलेट्स सैशेस दिन में एस्पार्टेम। उसके अलावा क्या है, सैचरीन, सैचरीन बंद हो गई। उसके अलावा सुक्रालोस है, सुक्रालोस और भी ज़्यादा अच्छा है, सुक्रालोस को पका भी सकते हो, एस्पार्टेम को पकाना नहीं है, गर्म चीज़ों में सुक्रालोस डालिए या स्टीविया डालिए, सुक्रालोस को पका भी सकते हो, बेकरी में डाल सकते हो, जितनी प्रोडक्ट देखते हो शुगर फ्री सुक्रालोस होता है उसमें, सो सुक्रालोस ले सकते हो। कितना, 6-8, 6-8। तो दिस इज गुड, दिस इज इजी, वेरी इजी टू कंट्रोल शुगर अगर आप समझो इसको। इसी चीज़ को हमने अपने YouTube चैनल के फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल में भी समझाया था, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन में, अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए। डायबिटीज़ के ऊपर अनगिनत वीडियोस हैं वहाँ पर, अनगिनत तो नहीं गिन सकते हैं, लेकिन है बथेरे वीडियोस हैं, देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डायबिटीज़ कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। कीटो डाइट भी लोग करते हैं जिसमें 5% से कम कार्ब खाते हैं, बहुत कम, हम 5% नहीं कह रहे, हम 40% कह रहे हैं, 40% से कम कार्ब खाइए, लो कार्ब डाइट खाइए, एंड यू विल बी गुड। कोई सवाल है तो जरूर लिखिए।